नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जियो के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कैसे किया जाता है और आपने ऑटोमेटिक पेमेंट को इनेबल किया है जियो सब्सक्रिप्शन के लिए तो उसे कैसे बंद किया जाता है, इसके बारे में पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ। अगर आपने भी जियो का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेकर रखा है और आपने ऑटोमेटिक पेमेंट इसे इनेबल किया है, जैसे कि फोन पे, गूगल पे या पेटीएम के जरिए इनेबल किया है, और आप चाहते हो आपके अकाउंट से डेबिट ना हो पैसा, जो सब्सक्रिप्शन लिया है उसे बंद करना चाहते हो, तो इस वीडियो में आज मैं आपको यही जानकारी देने वाला हूँ कि कैसे बंद किया जाता है जियो के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को और कैसे ऑटोमेटिक पेमेंट को भी बंद किया जाता है। तो आइए जान लेते हैं। मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं bestprice.com। तो ऑटोमेटिक पेमेंट या फिर जियो के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को कैंसिल या बंद करने के लिए यहां पर मैं आपको 3 से 4 तरीके बताने वाला हूं। एक तो आपका एप्लीकेशन के जरिए कर सकते हो, और दूसरा है गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम के जरिए। अगर आपने सब्सक्रिप्शन लेके रखा है ऑटो पेमेंट के जरिए तो उसे कैसे बंद किया जाता है इसी वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको ऑटोमेटिक पेमेंट या फिर जियो के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करने के लिए, सबसे पहले आपको जियो के एप्लीकेशन में आना है। ऊपर की तरफ प्रोफाइल का आइकन दिखा, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे मैनेज सब्सक्रिप्शन करके होता है, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कैंसल्स हैं, कैंसल के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो ऑटोमेटिक पेमेंट है वो भी डिसेबल होगा और यहाँ पे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेकर रखा था वो भी बंद हो जाएगा। दूसरा तरीका है, अगर आपने फोन पे के जरिए या गूगल पे के जरिए लिया है तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आपने गूगल पे के जरिए ऑटोमेटिक पेमेंट को इनेबल किया है जियो सब्सक्रिप्शन के लिए तो उसे कैसे बंद किया जाता है इसके बारे में पूरी जानकारी दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एमपिन इंटर कर दूंगा। एमपिन इंटर करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर की तरफ प्रोफाइल का आइकन दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ऑटो पेमेंट रिक्वेस्ट करके है, यहाँ पे देखेंगे ऑटो पेमेंट करके है, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो नेटफ्लिक्स और मैंने हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेके रखा है और यहाँ पर ही होगा जियो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन करके, तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर नेटफ्लिक्स है लेकिन यहाँ पे जियो का होगा वो, और यहाँ पे कैंसिल ऑटो पे है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका जो ऑटो पेमेंट था वो कैंसिल हो जाएगा और आपका सब्सक्रिप्शन होगा कैंसिल हो जाएगा अगर आपने गूगल पे के जरिए सब्सक्रिप्शन लेके रखा है। तो अगर आपने फोन पे के जरिए सब्सक्रिप्शन लेके रखा है तो आपको फोन पे को इनेबल करना है। इसके लिए आपको अनलॉक करना पड़ेगा सबसे पहले, इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ, मुझे इसका ऑटो पेमेंट जो जियो के लिए था उसे मुझे कैंसिल करना है, इसलिए यहाँ पे प्रोफाइल का आइकन दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ऑटो पे के ऑप्शन दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका होगा जियो का, यहाँ पे देखेंगे वायोकॉम करके है, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे डिलीट ऑटो पे करके है, नीचे की तरफ डिलीट ऑटो पे है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने जियो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेकर रखा है उसे आप कैंसिल कर सकते हो। तो अभी मैं आपको तीसरा तरीका दिखाता हूं, अगर आपने पेटीएम के जरिए ऑटो पेमेंट सब्सक्रिप्शन लेके रखा है तो उसे भी कैसे कैंसिल किया जाता है इसके भी जानकारी मैं दे रहा हूं। तो आपको क्या करना है, पेटीएम ओपन करना है, लॉगिन करना है, इसके बाद प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में आने के बाद आपको नीचे आना है और यूपीआई पेमेंट सेटिंग होता है उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है, वेट करने के बाद आपको नीचे आना है और यूपीआई ऑटोमेटिक पेमेंट है उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपका होगा, यहाँ पर मैंने फिलहाल नहीं है कोई भी सब्सक्रिप्शन लेकर नहीं रखा है, लेकिन अगर आपने यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेकर रखा है तो यहाँ पे वायोकॉम करके आएगा जियो सिनेमा का, उसके ऊपर क्लिक करके कैंसिल ऑटो पेमेंट है उसके ऊपर क्लिक करना है और कैंसिल करना है। तो यहाँ पर मैं नहीं करने वाला ऑटो पेमेंट कैंसिल, लेकिन अगर आप करना चाहते हो ऑटोमेटिक पेमेंट को कैंसिल या फिर जियो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को कैंसिल तो कुछ इस तरह से कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है ये छोटी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।